ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪੁਲਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਜੱਟ ਗੈਂਗ ਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੈਂਗਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਚੜਦੇ ਤੋਂ ਚੜਦੇ ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਗਈ ਇਹ ਲਿਫਟ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਗਾਈ ਨੀਚੇ एवरीवन अब हम जा रहे हैं कस्टमर गेट पे वहाँ क्यों जिनके दोनों के काम है ई मित्र पे शायद फोटो वोटो कापी करवानी है तो चलो भाई चलते हैं। मिला इनके फोटो कापी डॉक्यूमेंट की इनको फोटो कापी करवानी है तो गाइज उन डॉक्यूमेंट की फोटो कापी करवा के हम निकलते हैं सीधा एग्जाम सेंटर कैब करते हैं या फिर रेपिडो से एग्जाम पे देखते हैं चलते हैं पहले वहाँ पे। तो एवरीवन पहुँच गए हम फर्स्ट नंबर गेट पे और गाइज चलते हैं आधार कार्ड फोटो कापी की दुकान पे गाइज पहले तभी उन्हें इस दुकान से इनकी हो गई फिलहाल फोटो कापी डॉक्यूमेंट की और हम जा रहे हैं वापस एक नंबर गेट पे वहाँ पे शायद ऊबर ऊबर कोई कैब पे कोई की हुई है इनकी तो उन चलते हैं जिनके साथ ही ऊबर में यार कैब में वहीं एग्जाम सेंटर तो गया यहाँ से एक दिन एग्जाम सेंटर फरीदा रोड पे है तो गई फरीदाबाद रोड पे तो यहाँ से 23 किमी दूर है तो वही चलते हैं फिलहाल। फाइनली एवरीवन हमें ऊबर मिल गई कैब मिल चुकी है गाइस और हम जा रहे हैं अभी एग्जाम सेंटर तो गाइस मिलते हैं आपको एग्जाम सेंटर और आप तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम अपने एग्जाम सेंटर तो कैब वाले भैया को बोलते हैं बाय बाय और गाइस काफी अच्छे थे तो मिलते हैं गाइस बाद में ओके भाई तो गाइस फिलहाल चलते हैं कुछ खाते हैं गाइस पूरा मूड खराब हो गया इसने कुछ भी ना खाए दिया है साला। एवरीवन ये दोनों तो जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए अंदर तो गाइस विशाल ऑल द बेस्ट थैंक यू ऑल द बेस्ट असिस्टेंट पेपर अच्छे से देना और गाइस मैं करता हूँ इनके बाहर वेट और ये देने जा रहे एग्जाम अंदर तो गाइस करते हैं वेट इनका। तो फाइनली एवरीवन वे दोनों चले गए अंदर गाइस वहाँ से उनकी एंट्री गेट थी तो वो एंटर हो गए पहले उन तब तक उन मैं उनके पास ही खड़ा था क्योंकि उनके कुछ मिस्टेक थी डॉक्यूमेंट में वो सही होगी और वो चले गए तो गाइस अब मैं यहाँ पे कहीं पे बैठता हूँ शॉप वॉप पे और करता हूँ उनका वेट क्योंकि वो एक घंटे में आ जाएंगे ऐसे तो
तो गाइस एक घंटा करते हैं उनका वेट और हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद में आपको गाइस वो आने के बाद, क्योंकि मैं अकेला ही रहूँगा तो कहीं पर जाऊँगा तो वो नहीं, इसलिए गाइस करते हैं हम उनका वेट और मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको। एवरीवन मैं और भरोस भैया कर रहे हैं उनका वेट गाइस, अभी तक वो नहीं आए, पता नहीं गाइस एक घंटे का बोला था पर पता नहीं लेट कैसे हो गए गाइस। अभी तो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ही है गाइस वो उनका एग्ज़ाम सेंटर, तो गाइस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उनका वेट और देखते हैं गाइस कितने टाइम बाद वो आते हैं। वो चलते हैं गाइस, हम बोर हो गए लगभग दो घंटे, एक से आधा घंटा हो गया था गाइस, ज़्यादा ही होने वाला है पर नहीं आए, तो गाइस करते हैं उनका वेट फिलहाल और हम खड़े हैं यहाँ पे यहीं पर। मैंने इसलिए व्लॉगिंग भी कम ही किया क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छी लोकेशन पे मैं गया ही नहीं, तो गाइस देखते हैं और जाते हैं। चार बज गए अब तो कहाँ पे जाएंगे, आज का दिन पूरा बर्बाद गाइस। इवन थोड़ी ही देर में होने वाली है उनकी गाइस का क्लास ऑफ का मतलब छुट्टी, तो गाइस अब हो गई है शायद उनकी, बच्चे निकलने लग गए हैं बाहर और गाइस मैं कर रहा हूँ उनका वेट अभी तो, और गाइस थोड़ा ही टाइम आ गए होंगे तो गाइस आ रहे होंगे। भाई भाई कैसा हुआ मेरे कैसा बहुत खतरनाक बहुत अल्टीमेट अल्ट्रा पावर। तो गाइस ये तो आ गया है बाहर, वो बंदा वो नहीं है दूसरा आशीष, वो कहाँ है? तो इस काफी बच्चे एग्जाम देने के लिए आए, मतलब ज्यादा से ये लो भाई बहुत तगड़ो। कैसा बा कैसा हुआ आपका? मिलकर अच्छा लगा भाई। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत है यार लोग तक जानकारी पूछा यार। या, चलो ठीक है, हमारा तो यही काम है भाई। तो गाइस करते हैं आशीष का वेट और मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको। इवन ये आ चुका है दूसरा वाला ना भाई, कैसा हुआ एग्जाम? भाई इन्होंने का पेपर कैसा हुआ ये तो नहीं बता रहे गाइस, तो रिजल्ट में ही पता लगेगा कि इन दोनों का एग्जाम कैसा हुआ ये तो अभी नहीं बता रहे। भाई भाई एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, चारों ऑप्शन साथ में ही भरे थे मैंने। यहाँ से सभी स्टूडेंट निकल रहे हैं और हम भी निकल रहे हैं गाइस से यहाँ पे, मतलब कुछ बच्चे वहाँ पे खड़े हैं और बाकी सब चले अपने अपने रास्ते, और जो जहाँ से आया सिटी से वो जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। आशीष ले आ जा। तो गाइस चलते हैं हम फिलहाल ऊबर से या ओला करते हैं और सीधा रूम पे ही निकलते हैं, क्योंकि पूरा दिन हो गया आज का तो खराब पूरा। हमने सोचा था वहाँ चांदनी चौक और मार्केट में जाएंगे, बट गाइस इन दोनों के कारण एक घंटे का पेपर था ना भाई, एक घंटे पेपर तो एक घंटे का था, पर यार बेटा काफी देर तक बैठा के रख दिया यार। गाइस इनकी चेकिंग वेकिंग हुई नहीं थी, और एक में डॉक्यूमेंट में थोड़ा मिस्टेक था, तो फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से ओला या उबर करते हैं और मिलते हैं गाइस आपको रूम पे ही डायरेक्ट। ये बंदे दो ऐसे जिन्होंने, मैंने बोला कि सुबह मैगी बना के खा ले, इन्होंने बोला नहीं एक घंटे का ही काम है। तो गाइस अभी कैसा हाल है? कैसा सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियो दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। सजना जी तेरे बिना जी या लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीरे साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं, कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है, साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं। हाय सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना, बिना तेरे मैनु मिल भी सजा, हाय सजना जी तेनु बाहां विच भर लूं मैं होना कभी मुझे सजा। तो फाइनली एवरीवन फ्लाइट पे आ चुके हैं और गाइस इनके चेहरे देखो आज,
आज तो बन गए पायलट। एवरीवन फाइनली पहुंच चुके हैं गाइस रूम पे। और गाइस आज ऐसा हुआ कि मतलब है ना गाइस, मैंने सुबह 10 बजे मतलब 8:30 बजे हम उठ गए थे, क्योंकि रात को एडिटिंग की तो व्लॉग भी लेट अपलोड हुआ। यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है गाइस, देखो ये गाइस ये नेटवर्क नेटवर्क बिल्कुल कम है गाइस, यहाँ पे 3G भी नहीं पकड़ रहा, क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं तब मतलब नेटवर्क अच्छा खासा आ जाता है गाइस, यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं रहता। तो गाइस मैं नीचे जाकर मैंने लगभग 8 बजे तक तो मैंने एडिटिंग कंप्लीट की, उसके बाद मैं नीचे गया व्लॉग अपलोड किया, तब तक बज गए थे 11, क्योंकि गाइस नेटवर्क था तो नीचे तो ठीक था बट गाइस इनको भी लेट हो रहा, तो इन्होंने स्नान किया, स्नान करने का बोला। और गाइस क्योंकि इनको निकलना था जल्दी, यहाँ से 23-23 किलोमीटर और दिल्ली का ट्रैफिक बोलो ना गाइस एकदम बकवास है, इतना ट्रैफिक है गाइस, यहाँ यमुना नदी वाली रोड पे इतना ट्रैफिक होता है कि मतलब बंदा हमारे 1 घंटा तो उस ट्रैफिक में बर्बाद हो गया था। और फिर हमने वहाँ मतलब 10 मिनट पहले हम पहुँच गए थे, शुक्र है भगवान का, तो गाइस वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनको इनको पता नहीं था 80-100 साल का कि एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है गाइस, तो मतलब वहाँ पे हम लगभग 3-3.5 घंटे रुके। हमारे अभी जाने का प्लान था मार्केट गाइस, तो मार्केट हम नहीं गए और फिलहाल अब हम पहुँचे हैं गाइस। शाम भी हो गई है पूरी, ये देख लो गाइस आप, लाइट वाइट सारी हो गई है ऑन। और गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइस मैं अब थोड़ी बहुत मैगी वैगी बनाता हूँ, खाते हैं और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस प्लीज़ दिस ब्लॉग, हर एक ब्लॉग को जो मेरा ब्लॉग देख रहा है उस ब्लॉग को आप शेयर करना जरूर, और गाइस ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले और मेरा जल्द चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और शेयर करने से मेरे मोनेटाइज में बेनिफिट मिलेगा मुझे काफ़ी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।